बोलो हर हर महादेव। मृत व्यक्ति का सपने में आना कोई संकेत है? क्या ये उनकी मुक्ति मिलने या ना मिलने का भी संकेत है? कहते हैं एक मृत व्यक्ति या उसकी आत्मा हमसे संपर्क नहीं बना सकती, लेकिन इसका एक तरीका है, सपने। जी हाँ, क्योंकि वो आपकी चेतना से सीधा संपर्क नहीं बना सकते, तो ऐसे में मृतक सपनों का सहारा लेते हैं। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि हमारे किसी खास दोस्त या परिजन की मृत्यु के कुछ ही दिन में हमें वो व्यक्ति सपनों में दिखाई देने लगता है। अगर ऐसा एक दो बार हो तो यह समझ लें कि आप उन्हें अपने मन से नहीं निकाल पा रहे, आपके मन में उनकी स्मृतियां जिंदा हैं। ये उनके लिए आपके लगाव को दर्शाता है। लेकिन अगर आपका कोई पहचान का या आपका रिश्तेदार बार बार आपके सपनों में आ रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, मृत व्यक्ति के सपने में आने का क्या मतलब होता है, इसे एक पौराणिक किताब स्वप्न शास्त्र के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। स्वप्न शास्त्र में हर सपने का महत्व लिखा हुआ है। इस शास्त्र के हिसाब से किसी भी सपने का आना महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि वो एक इशारा है, एक संकेत है। नंबर वन, अगर कोई मृत किसी बीमारी से मरा हो और सपने में स्वस्थ दिखाई दे, तो ऐसा सपना आपके लिए संकेत है कि उनका जन्म एक स्वस्थ शरीर में हो चुका है और अब आप उनके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें। ऐसे सपनों को स्वप्न शास्त्र में आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। नंबर टू, अगर मृत इंसान आपके सपने में हंसता, मुस्कुराता, खुश दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला समय खुशहाल और सुखद होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि अगर रोते हुए दिखाई दे तो क्या ये बुरा संकेत है? नहीं, मृत व्यक्ति अगर रो रहा है तो ये भी एक अच्छा संकेत है। नंबर थ्री, अगर आपका मृत परिजन सपने में आपको किसी तरफ बार बार इशारा कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो संतुष्ट नहीं है और परेशान है। इसके लिए परिवार के लोगों को मृतक की आत्मा की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। ऐसे में मीठे का दान करना शुभ होता है। नंबर फोर, अगर मृत व्यक्ति आपको शांत और मौन दिखाई दे, तो वो उनका इशारा है आपको कुछ गलत काम करने से रोकने से। नंबर फाइव, अगर मृतक आपको सपने में क्रोधित नजर आए या आपको डांट रहे हो, इसका मतलब वो आपसे कुछ चाहते हैं। वो अपनी कोई अधूरी इच्छा आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो मरने से पहले पूरी नहीं कर सके। नंबर सिक्स, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो सपने में आपको बीमार और परेशान नजर आए, तो भी इसका अर्थ है कि वो आपसे अपना कोई अधूरा कार्य करवाना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई अधूरा कार्य याद दिला रहे हों जो आपको पता हो। अगर आप उस काम को पूरा कर सकें तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नंबर सेवन, अगर मृतक आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सपने में, तो आपका कोई लंबे समय से अटका कार्य पूरा होने वाला है। नंबर एट, मृत व्यक्ति अगर आपको किसी परेशानी में नजर आए, जैसे कि बिना जूते चप्पल के, निर्वस्त्र या किसी सामान की इच्छा जताते हुए या भूखे, तो समझ लीजिए वो आपसे ये चीजें चाह रहे हैं। ऐसे में आप उनकी जरूरत की किसी चीज को मंदिर या ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर नाइन, अगर आपका कोई परिजन घर के अंदर या नजदीक दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो अपना मोह अभी तक आपसे नहीं तोड़ पाए हैं। ऐसे में आपको रोज गाय को दो रोटी खिलानी चाहिए, इससे मृतक व्यक्ति और पितरों को शांति मिलती है और वो आपके अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं, इससे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। नंबर टेन, अगर आप मृत व्यक्ति से कहीं आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं या वो आपसे कुछ साधारण बातें कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और आपको सफलता मिलने वाली है। यदि मरा व्यक्ति आपको कहीं दूर आकाश में या बहुत सारी रोशनी के आसपास दिखाई दे, तो इसका मतलब है उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई है और अब आप निश्चिंत हो सकते हैं उनके लिए। नंबर 12, अगर मृत व्यक्ति आपको कोई सलाह दे रहा हो या आपको कुछ आपके काम से रिलेटेड कुछ बता रहा हो,
तो आपको उनकी सलाह माननी चाहिए, वो आपके बहुत काम आ सकती है। अभी तक बताए गए 12 या किसी और तरीके से अगर आपको आपके परिजन सपने में नजर आए तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि वो असंतुष्ट और अशांत हैं। ऐसे में परिवार वालों को उनके नाम पर रामायण या श्रीमद् भागवत का पाठ करवाना चाहिए और साथ ही साथ गरीब बच्चों और भूखों को मिठाई खिलानी चाहिए। मृत व्यक्ति के नाम पर पूजा पाठ तर्पण करना चाहिए। जितना धर्म कार्य दान पुण्य आप उनके नाम पर करेंगे उतनी जल्दी ही उन्हें शांति मिलेगी। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि मृत व्यक्ति के लिए परिवारजन हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में डोनेशन देते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं, हवन इत्यादि करवाते हैं। यह मृतक व्यक्ति के आगे के सफर के लिए किया जाता है ताकि उन्हें शांति मिले, उनके पाप हम अपने दान पुण्य से कम कर सकें और उन्हें अगले जन्म में एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन मिल सके। अपने सामर्थ्य अनुसार आप जितना उनके नाम पर अच्छे कार्य कर सकें अवश्य करें। इसी के साथ आस्तिक आपसे विदा लेता है। बोलो हर हर महादेव।